आम चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने कमर कस ली है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने हर सूबे में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल के अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर किठवाड़ी गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मंत्री ने 2024 में फिर से बीजेपी की वापसी का दावा किया। मोदी सरकार ने और मनोहर जी की सरकार ने जो देश प्रदेश और हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो काम किए हैं, उन कामों की लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 9 सालों में देश की तस्वीर कैसे बदली है, हरियाणा की तस्वीर कैसे बदली है और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदली है। वो लोगों के बीच में आकर हम उनको अपनी सारी बातें बता रहे हैं। पहले क्या होता था, आज क्या होता है। आज वो लोग जिनको आज किसान भी याद आ रहा है, मजदूर भी याद आ रहा है, हैं जी, किसान की फसल भी याद आ रही है, उन्होंने उस समय अगर इन लोगों के लिए कुछ किया होता, इनकी मदद की होती, इनकी फसल खराबे का मुआवजा दिया होता, तो आज ये वहाँ नहीं होते जहाँ हैं। लेकिन इनको सत्ता में रहते हुए, सत्ता के नशे में इनको ना किसान नज़र आता था, ना व्यापारी नज़र आता था, ना विकास नज़र आता था, ना बिजली नज़र आती थी, मतलब आज सब कुछ नज़र आता है।